अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एमिली पेंट स्टिक शेयर करने जा रही हूँ। ये जो स्टिक है फुल कवरेज है और किस तरह की है तो आपके साथ शेयर करूंगी। ये एमिली पेन स्टिक की वीडियो मैं यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम अपलोड कर रही हूँ और इसके अलावा आपको कहीं भी ये यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगी। मेरे पास एमिली के 4 शेड्स अवेलेबल है तो आपके साथ मैं इसके शेड्स शेयर करूंगी। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एमिली के प्रोडक्ट आपने काफ़ी यूज़ किए होंगे और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट रहता है इसका। तो ये किस तरह की पेन स्टिक है आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर देती हूँ। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की होती है। एमिली की स्टिक है, काफ़ी अफोर्डेबल स्टिक है एंड अपनी स्किन के हिसाब से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसी आपकी स्किन टोन होगी उसके हिसाब से आप इसको यूज़ करें। मैं इसके 4 शेड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ईजिली आपको मार्केट में ये डिफरेंट शेड्स में मिल जाती है। मैं जो आपके साथ शेड शेयर कर रही हूँ 36 है, 38 है, 45 है एंड आइवरी है। ये जो एमिली की पेन स्टिक है इस पे मेंशन हुआ हुआ है ये फुल कवरेज है एंड काफ़ी स्टे करती है। तो क्या ये वाकई स्टे करती है आपकी स्किन पे, तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। अंदर से आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग इस तरह की होती है, ब्लैक होती है और जिसका कैप है प्लास्टिक कैप है। एंड ये जो मेरे पास शेड है पेन स्टिक का, ये 45 शेड है। जो 45 शेड होता है फेयर टोन पर होता है, इसको ज़्यादातर लेडीज़ यूज़ करती हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला शेड है ये। आप इसको पार्टी मेकअप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो ये जो 45 नंबर है आप इसको फेयर टोन पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन थोड़ी डल भी है और 45 को यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन फेयर लगेगी। उसके बाद एमिली की 38 स्टिक की बात कर लेते हैं। ये जो स्टिक है आप कलर देख सकते हैं इसका कुछ इस तरह का होता है। ये भी फेयर होता है लेकिन 45 से कम होता है। ज़्यादातर इस स्टिक को नॉर्मल फेस पे यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लाइट फेयर होता है, इसलिए इसको नॉर्मल फेस पे यूज़ किया जाता है। ये जो पेन स्टिक है काफ़ी अफोर्डेबल स्टिक है एंड आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं, इतनी क्वांटिटी में ये आपको मिलता है एंड मार्केट में इसकी प्राइस 300 to 350 है। अब बात कर लेते हैं एमिली पेन स्टिक की आइवरी के बारे में। ये जो कलर है ये काफ़ी फेयर टोन पर होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट्स के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है। एंड इसके अलावा आपकी स्किन टोन काफ़ी ज़्यादा फेयर है, यानी आपका फेयर कलर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में जो है एमिली की पेन स्टिक 36 नंबर आप देख सकते हैं, ये भी कुछ इस तरह की होती है। ये काफ़ी डल कलर होता है, यानी कि अगर आपका फेस काफ़ी डार्क है, यानी अगर आपका कलर डल है तो आप इस स्टिक को यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पे ये सेट रहेगी। एंड इसके अलावा आपकी स्किन का कलर फेयर है तो अगर आप इसे कीमोफ्लाज करना चाहें, अगर यानी कि अगर आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह है उसको आप हाइड करना चाहें तो इस कलर से हाइड कर सकते हैं। अब मैं इसके स्वैचेस भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास कलर है ये 36 है। सो ये आप देख सकते हैं इसका जो कलर कुछ इस तरह का होता है, काफ़ी डल कलर होता है। आप इसको नॉर्मल स्किन पे यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप फेयर टोन पे इसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन ब्लैक ब्लैक सी लगती है। एंड ये जो मेरे पास आइवरी नंबर है आप इसको अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ करेंगे। अगर आपकी स्किन का कलर काफ़ी फेयर है तो इसको यूज़ करें, अदरवाइज़ ना यूज़ करें। ये जो आइवरी कलर होता है काफ़ी फेयर टोन पे होता है, ज़्यादातर इसको ब्राइट्स पे यूज़ किया जाता है क्योंकि जो ब्राइट्स होती है हर ब्राइट चाहती है कि उनका जो कलर है फेयर लगे। एंड अब मैं 45 यूज़ कर रही हूँ। 45 का कलर भी आप देख सकते हैं ये भी फेयर टोन पे होता है लेकिन ये जो आइवरी है आइवरी से थोड़ा सा लाइट होता है। एंड इसके बाद 38 नंबर भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होता है। सो ये जो 4 शेड्स है आपके सामने आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के होते हैं। आप किस किस स्किन पे इसको यूज़ कर सकते हैं तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये जो एमिली की पेंट स्टिक है आप इसको ऑयली स्किन पर यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एंड इसके अलावा अगर आप इसको नॉर्मल स्किन पर यूज़ करते हैं या कॉम्बिनेशन स्किन पर यूज़ करते हैं तो फिर ये ज़्यादा देर तक नहीं रहती, यानी कि इसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी स्टे नहीं करता। एंड इसके अलावा जो इसकी कवरेज है काफ़ी अच्छी कवरेज है एंड लॉन्ग लास्टिंग के लिए आप सबसे पहले प्राइमर यूज़ करें उसके बाद इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा रहेगा। प्राइमर अप्लाई करने के बाद आप इसको ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, फिर ये स्टे आपके फेस पे काफ़ी करेगी। ये जो एमिली की पेन स्टिक है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है एंड इसके अलावा इसमें जो क्वांटिटी है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, यानी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाएगी आपकी ये पेन स्टिक को। आप जब भी यूज़ करें तो ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी तरह से किया करें, अगर आप इसकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं करेंगे तो फिर ये आपके फेस पे स्टे नहीं करेगी। सो फ्रेंड एमिली की पेंट स्टिक किस तरह की आपके साथ मैंने इसका रिव्यू एंड यूज़ शेयर कर दिया। इसके अलावा मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।